हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी जो कि 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप पार कर चुकी है, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो आपने ठीक सुना है, मैं LTI के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जब ये स्टॉक का मार्केट कैप तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, तब से मैं LTI को कवर कर रहा हूं। और आज आप देख रहे हैं दोस्तों कि LTI 1,00,000 करोड़ के मार्केट कैप को पार कर चुकी है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसने आज 7,292 रुपये यानी कि 7,292 रुपीज पर क्लोजिंग दिया है। और इसने आज फ्रेश लाइफ हाई छुआ था। तो अभी हम लोग सीधे चार्ट में आते हैं और चार्ट पर स्थिति देखते हैं LTI की क्या देखने को मिल रही है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये हम लोग चार्ट देख रहे हैं LTI का। और इसमें अगर हम लोग माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हम लोग देख रहे हैं कि LTI काफी बुलिश फेज में है। ये देखिए, लगातार हायर हाई हायर लो बना करके ये चल रहा है। इसमें बीच में मार्च महीने में काफी गिरावट भी देखने को मिली थी, उसके बाद फिर इसमें जो रैली बनी थी काफी ऊपरी स्तरों तक गया था, वापस इसमें बिकवाली हुई। अब ये वापस रिकवर कर चुका है और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है डेली चार्ट पर। तो क्या ये स्टॉक इन स्तरों से और ऊपर निकल पाएगा या फिर ये स्टॉक इन स्तरों से नीचे लुढ़क जाएगा, इसको हम लोग इस एनालिटिकल वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में LTI के शेयर भाव किस प्रकार से बदल सकते हैं। और अगर इसमें ब्रेकआउट जो दिख रहा है वो सस्टेनेबल होगा तो ये किन स्तरों पर जाकर के ट्रेड कर सकता है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहोगे क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। और अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो हो सकता है कि आप वो इंफॉर्मेशन मिस कर जाए और आपके डिसीजन गलत भी पड़ सकते हैं, उल्टे भी पड़ सकते हैं और आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो मैं इस एनालिटिकल वीडियो में बताने जा रहा हूं, ये मेरी पर्सनल व्यू है, आपकी व्यू मेरे से अलग हो सकती है और होनी भी चाहिए। तो अगर आप मेरे व्यू से एग्री नहीं करते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करोगे, और एग्री करते हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी करना ना भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस प्रकार के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो एनालिटिकल वे में आप व्यूअर्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं कि बड़े निवेशकों का रुझान LTI के शेयर में किस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि Q2 में FI तकरीबन 13.25 का स्टैक लिए हुए हैं। तो इन्होंने जून क्वार्टर के रेस्पेक्ट में अपना स्टैक हल्का सा बढ़ाया है, हालांकि ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर भी ठीक ठाक है। वहीं DIs की होल्डिंग भी तकरीबन 5% के आसपास है और पब्लिक होल्डिंग इसमें तकरीबन 8% के आसपास है। प्रमोटर्स 74% का बड़ा चंक लेकर के बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि जो फ्री फ्लोट शेयर है वो काफी लिमिटेड है और जो अच्छे खासे बड़े संख्या में जो शेयर है LTI के वो या तो प्रमोटर्स के पास हैं या FIs और DIs के पास हैं, इसलिए इस शेयर में हम लोग बहुत ज्यादा तेजी होता हुआ देखते हैं क्योंकि इसके फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में काफी कम है। तो यहाँ पर तो बड़े निवेशों का जो कॉन्फिडेंस है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि वो LTI को लेकर के काफी आश्वस्त हैं और इन्होंने लगातार अपना स्टैक समय के साथ बढ़ाया भी है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि लंबे समय में LTI ने कैसा रिजल्ट प्रस्तुत किया है, तो उसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, लंबे समय में लास्ट 5 ईयर्स में इनके सेल्स ग्रोथ 16% CAGR के रेट से बढ़े हैं। वहीं इनके लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ
18% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ता हुआ देखे हैं, और इनके स्टॉक प्राइस लास्ट 5 ईयर्स में 64% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ता हुआ देखे हैं। वहीं लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो इनके सेल्स ग्रोथ 19% बढ़ करके हो गए हैं, तो ये ग्रोथ फेज में चली गई है। वहीं इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी 18% से बढ़ करके 20% हो गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो लंबे समय में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर इसने जो रिसेंट के रिजल्ट प्रस्तुत किए वो कैसे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि क्वार्टर टू यानी कि सितंबर क्वार्टर में ये 3767 करोड़ का नेट सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि लास्ट ईयर अगर हम लोग क्वार्टर टू से कंपेयर करें तो वो तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनके जो रिवेन्यू है उसमें तकरीबन 20% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं सेम पीरियड में अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो लास्ट ईयर क्वार्टर टू में ये 456 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि ये क्वार्टर टू में बढ़ करके 552 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग 20% से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देख रहे हैं। वहीं अगर मार्जिन की बात करें तो ये मार्जिन लास्ट सेकेंड क्वार्टर में 15.21 देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार फिर लगभग ऑलमोस्ट उतना ही है, 15% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन इसके स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वार्टर वन में भी तकरीबन 14.33% का मार्जिन था, क्वार्टर फोर लास्ट ईयर 16.67 का मार्जिन था। तो डबल डिजिट में इनके मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, ऑन एन एवरेज 15% के आसपास मार्जिन लेकर के चल रही है। तो काफी अच्छा इनका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखने को मिला था। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रहा है, और मार्जिन ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं LTI के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं क्वार्टर टू के, वो बहुत ही अच्छे देखने को मिले थे। और अगर क्वार्टर वन के रिजल्ट की भी बात करें तो यहाँ पर भी देखें क्वार्टर वन में भी इसने रिवेन्यू ग्रोथ दिखाया था, हालांकि नेट प्रॉफिट में इनका हल्का डिग्रोथ हुआ था, चूंकि इन्होंने नए रिक्रूटमेंट किए थे और उसके चलते वेजेस बिल इनके बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि LTI एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी और के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि LTI में जो हम लोग ब्रेकआउट होता हुआ देख रहे हैं वो सस्टेनेबल होगा, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कि टारगेट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये अपने 200 डेज एमआ, 100 डेज एमआ, 50 डेज एमआ, 20 डेज एमआ से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये काफी बुलिश फेज में है। तो अब इसके टारगेट को लगाने के लिए दोस्तों हम लोगों को कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे, उसके बाद फिर हम लोग टारगेट पर बात करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं, अब हम लोग इसके जो सपोर्ट होंगे वो कौन से हो सकते हैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक प्राइस लेवल लगाते हैं। तो ये जो लेवल है दोस्तों इसे आप नोट डाउन कर लें, 7105। ये इस स्टॉक के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे चुका है, इसके पहले ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इन्हीं स्तरों से ये शेयर करेक्शन लिया था। तो 7105 को आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है LTI में वो ये लेवल है, ये कौन सा है तो इसे भी एक प्राइस टैग लगा लेते हैं, तो 8015। तो आप 8015 को टारगेट मान करके चल सकते हैं। जो तेजी LTI में बन रही है दोस्तों वो आगे भी जारी रहेगी, और हम लोग जल्द ही LTI को 8000 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ अवश्य देखेंगे, ऐसा पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इसके क्वार्टर वन क्वार्टर टू के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आए थे और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट तो और भी बेहतरीन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो तेजी इसमें बन रही है वो
LTI को 8000 के लेवल पर अवश्य ले जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने लाइक कर लिया होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप सभी को जय हिंद।